اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة. السلام على قتيل المظلوم، السلام على الشيب الخضيب، السلام على المقطوع البطيب، السلام على الخد التريب، السلام على الأعضاء المقطعة، السلام على النسمة البارضة، السلام على قتيل المظلوم، همارا سلام هو उस मजलूम पर जिसे जुल्म व सितम से कत्ल किया गया। अस्सलाम अला शैब अल खदीब, उस रीशे अकदस पर सलाम जो खून से सुर्ख हो गई। इमाम ज़माना फरमाते हैं, अस्सलाम अला अल मक्तूम अलवती, उस पर सलाम जिसकी शहरग को बेदर्दी से काटा गया। अस्सलाम अला अल खद तरी, खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। السلام على الأعداء المقطعة، उन आदा पर सलाम जिनको जिस्मों से काट दिया गया हो। السلام على النسبة البارزة، उन मस्तूरात इस्मत तहारत पर सलाम जिनके मकना और रिदा को लूट लिया गया हो। अजादारान मजलूम करबला, सब मिलकर कहें, मिलकर पुरसा दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब मिलकर एक मर्तबा फिर कहिए, आज पुरसा देना है रसूल इस्लाम को, आज जी भर के पुरसा दे लीजिए उस बीबी को जिसका पहलू शिकस्ता है। ए बीबी, जिसका पहलू शिकस्ता था, माथे पर मौत की पट्टी बांध कर कसम मरसिया पड़ती थी। सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा अलल अय्याम सिरना लयालिया, आज उस बीबी को पहलू का दर्द भूल गया, आज उस बीबी को पसलियों का दर्द भूल गया। सब मिलकर उस बीबी को पुरसा देगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज अली इब्ने अबी तालिब को पुरसा, हसन मुजतबा को पुरसा, आज उस ज़ैनब कुबरा को पुरसा दीजिए जो लश्कर हुसैनी की काफिला सलार, जहां जहां मौजूद है अपने घरों में अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, इसलिए कि शाम गरीबाएं इस अशरे मुहर्रम का आखिरी पुरसा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अभी शाम गरीबा की मजलिस जब तमाम होगी, आपका दिल मुतमइन हो जाएगा,
हमने 10 रोज जहरा की लाल को जी भर के क्रिया किया, आपका दिल मुतमइन हो जाएगा कि हमने अशरा मुहर्रम उल हराम तमाम कर लिया, लेकिन अदादारों आपका और हमारा अशरा मुहर्रम तो तमाम है, लेकिन अली की बेटी का अशरा है अली की बेटी के मसाए तो असरे आशूर के बाद से शुरू हो गए, आपके बच्चे नरम नाजुक बिस्तरों पे सोएंगे, लेकिन हुसैन की सकीना खाके करबला पे सोएगी, जिंदाने शाम में जमीन पे रेत का सरहाना बना के सोएगी। अदादारों कैफियत ये है, इब्ने शबीब सहाबी हैं 8वें इमाम का, मौला फरमाते हैं रैयान जब तुम्हें किसी पर रोना आए तो बेहतर है मेरे जद मजलूम करबला पर रोया करो, कहो मौला मैं आपके जद पे क्रिया करता हूँ। हजरत ने फरमाया इसलिए क्रिया किया करो हमारे जद को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोस फंद को ज़िबा किया जाता है, यकीनन फरमाया होगा जैसा कि किसी जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो ज़िबा करने वाले के हाथ को कोई नहीं रोकता, इसका मतलब यह है सब राजी होते हैं। जब हमारे जद को 3 दिन का भूखा और प्यासा वो करबो बला के सहरा में ज़िबा किया जा रहा था वो तो सारे तमाशाई बन कर देख रहे थे। अदादारा ने मज़लूम करबला मैं अभी शाम गरीबा पर आता हूँ लेकिन 2 जुमले सुन लीजिए, जब मज़लूम करबला रुख्सत आखिर को आए तो क्या कैफियत हुई, रुख्सत आखिर को आए अपनी बहन सामने बैठा लिया अपनी बेटियों को सामने बैठा लिया, बड़े दर्द भरे जुमले हैं, अपनी अबा को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि मुहर्रम के आयाम में बच्चे और बच्चियां अपने माथे पर पट्टी बांधते हैं लब्बैक या हुसैन लिखा होता है, या हुसैन या जहरा का नाम लिखा होता है, लेकिन यह आप जो ये पट्टी बांधते हैं मजलूम करबला ने अपनी अबा को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद एक एक बेटी को बुलाते थे, उसकी बेटी के सर के ऊपर जो रिदा मौजूद होती थी मकने के ऊपर माथे पर एक पट्टी बांध देते, फिर दूसरी बेटी को बुलाते ऐसे ही उसके माथे पर पट्टी बांध देते, जब सबकी पट्टी बांध चुके बहनों के सरों पे भी पट्टी बांध दी, फिर अपनी 4 साल की सकीना आई उसके माथे पर पट्टी बांध दी चादर के ऊपर मकना के ऊपर, जब बीबियों ने सवाल किया आका ये क्यों बांध रहे हैं, आका ने फरमाया ये थोड़ी देर के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा, एक मिसाल से समझा दिया, कहा जब मर्द दौड़ते हैं मर्द को दौड़ना पड़ जाए तो उसके सर का इमामा गिर जाता है, लेकिन अगर मस्तूर को दौड़ना पड़ जाए तो उसके सर से रिदा गिर जाती है, गोया बता रहे थे अपना पर्दा सलामत रखो। अनादारों सरजमीन करबला पर एक वक्त वो आया जब रिवायत के जुमले हैं 3 साल तक मजलूम करबला इस कैफियत में रहे, नहीं मालूम हो रहा था कि जिस समय अतहर में रमक बाकी है या रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर चुकी है। एक मर्तबा शिमर ने कहा मुझे मालूम है ये जहरा गलाल बड़ा गयूर है, मैं अभी तुम्हें मालूम करके बताता हूँ कि सैयद शुहदा जिंदा है या रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। एक मर्तबा आवाज बुलंद करके कहता है खयाम हुसैनी को आग लगा दो,
अजादारो जब खयाम के आग की बात आई, मजलूम करबला जितने भी नईफ थे, जितने भी कमजोर थे, कोहनियों के बल कोहनिया जमीन पर टेक कर उठे और एक जुमला फरमाते हैं, हल में नजाबो हरा में रसूलिल्ला, कहा अभी तो मैं जिंदा हूं, कोई है जो इन सैयदजादियों के पर्दे को बचाए। अदादारो मजलूम करबला, आपने अभी नमाज मगरबैन को अदा किया, आप सजदे शुक्र में जाते हैं, कभी दाया रुखसार जमीन पर रखते हैं, कभी बाया रुखसार जमीन पर रखते हैं, लेकिन अदादारों आप अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन जहरा गलाल सर सजदे में है, कभी दाया रुखसार कभी बाया अपनी मर्जी से नहीं। वो जालिम सर में जुल्फों में हाथ डाला हुआ है, कभी दाएं रखता है कभी बाएं रखता है। मजलूम करबला की जुबान से एक जुमला अदा होता है, रिदन बे कदाई व तस्लीमन ले अमरे। बीवी ज़ैनब कुबरा रिवायत करती हैं, मैंने देखा सरजमीन करबला में जलजला आ गया, जैसे ही सरजमीन करबला में जलजला आया, मैंने खयाम की चादर को उलट कर देखा, मुझे कहीं भी भैया नजर नहीं आए। अब्बास तो थे नहीं, अकबर तो थे नहीं, औन मोहम्मद तो थे नहीं। अली की बेटी फरमाती है, मैंने चादर सर पे लिए खयाम से निकली, कभी जल्दी चलने की आदि न थी, दौड़ती हुई तल्लाए ज़ैनबिया पर गई है, भैया को देखा कहीं नजर न आए। थोड़ी देर के बाद फरमाती है, मुझे एक पत्थरों का ढेर नजर आया, पत्थरों के ढेर के पास एक जख्मी शख्स है जिसके ऊपर तीरों की बारिश हो रही है। अली की बेटी ने एक जुमला कहा, अंत अखिल हुसैन, क्या मेरा माँ जाया तू हुसैन है। जब ये जुमले सुनने थे, मजलूम करबला ने कहा, या उख्ती ज़ैनब इरजई इलल खयाम, ए मेरी बहन ज़ैनब खयाम को पलट जाइए। अदादारो आयतुल्ला मोहसिन आयतुल्ला हकीम फरमाते हैं, 12 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िबा किया गया, लेकिन उस जालिम ने ज़रबें कुछ इस अंदाज से मारी के अंबिया की अरवा भी कांप गई। बीवी फरमाती है, वक्त असर आशूर अंबिया की अरवा मौजूद थी, हजरत आदम की अरवा भी हर्रू भी मौजूद थी। जब उस शिबर ने पहली जरब लगाई, हजरत आदम ने कहा, ऐ अल्लाह मैं इस दर्दनाक मंजर को नहीं देख सकता। हजरत नूह के रूह, हजरत नूह ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझ में ये सकत नहीं है मैं इस मंजर को देख सकूं। हजरत इब्राहीम जिन्हें खलील खुदा कहते हैं, बच्चे की गर्दन को ज़िबा किया, बच्चे को कुर्बानगाह में ले गए, वो भी फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ये दर्दनाक मंजर है मुझसे देखा नहीं जाता। जब मैंने इस्माइल के गर्दन पे छुरी चलाने का इरादा किया, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। बीबी फरमाती है, जन्नतुल बकी से मेरी माँ भी आई है, मदीनतुल रसूल से मेरे नाना भी आए, नजफ अशरफ से मेरे बाबा भी आए, मेरे भैया हसन मुजतबा भी थे। एक मंजर वो आई जब रसूल इस्लाम ने कहा, अल्लाह मैं भी ये मंजर नहीं देख सकता, ऐ अली तू जानो और हुसैन जाने। एक मंजर वो आया जब अली ने कहा, ऐ हुसैन तू जान और तेरी माँ जहरा जाने।
अदादारो जब ये मंजर आया, एक मर्दवा जहरा ने गिरिया बुलंद करके कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, जिस हुसैन को मैंने चकियां पीस पीस के पाला था, अपनी आंखों के सामने उसे ज़िबा होता देख रही हूं। अदादारो जब ये आवाज मलाय आला में गूंजी, इधर ज़ैनब आलिया तल्ला ज़ैनबिया पर मौजूद हैं, जब देखा के शिमर मेरे भाई को ज़िबा कर रहा है। अदादारो आप जानते हैं, कभी कोई बहन अपने भाई के कातिल से बात नहीं करती, लेकिन कोई इतनी मजबूर थी, अली की बेटी है, अपने भाई के कातिल से बोल कर कहती हैं, यबना साद ऐ उमर साद, आया तनजरो व युक्तल अबी अब्दिल्ला, तू देख रहा है और जहरा गलाल ज़िबा हो रहा है, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है? लेकिन अजादारों लोग कहते हैं, ये हैवान वफा नहीं करते, जुल्जना ने अपने माथे को मजलूम करबला के खून से आलूदा किया है, और खबर शहादत लेकर खयाम में आया। जैसे ही खयाम में पहुंचा, बीबियों ने देखा खयाम के दरवाजे पर जुलजना हिन हिन आ रहा है। बीबियों ने कहा, ऐ सकीना जाओ जरा देखो, आपका बाबा है वापिस आ गया है, पानी लेकर आ गए हैं। जब सकीना ने पलट कर देखा, जीन ढली हुई है, रकाबे कटी हुई है, घोड़ा जख्मी हालत में है, और यही आवाज बुलंद करता है, अज़लीमा अज़लीमा अज़लीमा, सरजमीन करबला पे जुल्म हो गया। अदादारों सकीना ने घोड़े से ये नहीं पूछा, मेरे बाबा को कहाँ उतारा? जुलजना के समों से लिपट कर एक जुमला कहा, जुलजना ये बता, असुक या अभी मात शाना, ऐ जुलजना मुझे ये बता, मेरा बाबा 3 दिन से भूखा और प्यासा था, मेरे बाबा को सैराब किया या नहीं किया? अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अलल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गमे शब्बीर के कोई गम न दे, चंद मिनटों की जहमत है। अजादारों जब शहादत की खबर पहुंची है, इधर आवाज बुलंद हुई, लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के, जालिमों ने आकर पहले लूटना शुरू किया, फिर खयाम को आग लगा दी। अदादारों उलमा बयान करते हैं, ख्वातीन नर्म और नाजुक दिल की मालिक होती हैं, लेकिन 3 मकाम ऐसे आते हैं, जब खातून अगर अकेली हो उसका दिल दहल जाता है, खातून अकेली हो करीब है कि उसकी रूह परवाज कर जाए, जब शदीद आंधी आ जाए खातून तन्हा हो, और दूसरा मंजर जब खातून घर में तन्हा हो और घर को आग लग जाए, और तीसरा मंजर है जब ख्वातीन घर में मौजूद हो और कोई लूटने वाला आ जाए। औरतें नाजुक मिजाज होती हैं, लेकिन ये वो जहरा का गरीब घराना है, जहां बतूल जादियां मौजूद हैं, लेकिन 3 असबाब जमा हो गए, इधर सरजमीन करबला में जलजला आया, उधर आंधी चलना शुरू हो गई, आसमान ने खून की बारिश बरसाना शुरू कर दी, दुश्मन ने कयाम को आग लगा दी, और आग लगाने से पहले के लूटो तबर्रुका दलियो बतूल के,
अदादारों को तबरुकात लूटने के लिए खयाम में दाखिल हो गए। दुआ करो अल्लाह किसी को परदेश में महफूज रखे। कोई किसी के घर पे हमलावर न हो, जैसे वो दुश्मन कयाम में आए। लूटना शुरू कर दिया, बीबियों ने कहा हमसे दूर रहो, जो कुछ हमारे पास मौजूद है हम तुम्हारी तरफ कर देते हैं, हमारे करीब न आना, हम बतूल हैं, हम इस्मत व तहारत की परवरदा बीबियां। लेकिन उन जालिमों ने रियायत नहीं की। एक 4 साल की बच्ची है जो चीखती रही, कहते थे दूर उतार दो, कहती थी दूर रहो, मैं तुम्हें उतार के दे देती हूँ। जो छोटी वाले आए इस दर्द को महसूस करेंगे। जालिम शिमर आगे बढ़ा आए, कानों में हाथ डाला, बजाए उतारने के जोर से खेज दर। उसका खींचना था कि कानों से खून जारी हो गया, तबर्रुकात लूट भी रहा है और सकीना के चेहरे पर तमाचे भी मार रहा है। उसके बाद जारा आजादियों के सरों से रदाओं को उतार दिया गया। कैसे उतारा गया? जालिम नेजा लेकर आगे बढ़े, जैसे चादरों को उतार लिया है। फरमा दिया मुझे वो मंजर कभी नहीं भूल सकता, बड़ा दर्दनाक मंजर है, जब दुश्मन चादर छीन रहा था, चादर का एक सिरा मेरे हाथ में था, दूसरा सिरा जालिम के हाथ में था। जहां तक मुमकिन हुआ मैंने कोशिश की मेरी चादर बच जाए। लेकिन जालिम ने इस अंदाज से चादर को उतारा, नेजे से कि सर जख्मी हो गया, सर से खून जारी हो गया। जालिमों ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बीमार सैयद सज्जाद जिस चटाई पर मौजूद थे, एक जालिम ने जसारत की है उस चटाई को खेचा जिस पर बीमार करबला थे। चटाई का खेचना था कि सज्जाद रुखसार के भर जमीन करबला में गिर गए। अदादारों इसके बाद खयाम को आग लगी, दुश्मन ने खयाम को आग लगाई, अली की बेटियां घबराई। उलमाए मकातिल लिखते हैं अली की बेटियां न घबराती अगर खयाम सिर्फ जल जाते, लेकिन जलने के बाद खयाम इस काबिल न रहे कि उनमें रहा जा सके। नबी जादियां ये सैयदानियां जब एक खेमा जलता दूसरे खेमे में चली जाती, दूसरा खेमा जलता तीसरे खेमे में चली जाती। जरा अपना मंजर करबला की तरफ ले जाइए, जो करबला की सरजमीन से होकर आए हैं जानते हैं मक्तल हुसैन कहाँ है, खयाम कहाँ है, फुरात कहाँ है, अब्बास का कफे, अब्बास की जरी कहाँ है। अदादारों मुंह के बल सज्जाद जमीन पर आए, जब सैयदादियां एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती हैं, जब उस खेमे में आई जिसमें सैयद सज्जाद मौजूद थे। आए मजलूमियत ए अली की बेटी, तुझसे बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जब अली की बेटी सैयद सज्जाद के खयाम में आई, सारी बीबियां आ चुकी हैं, बाकी खयाम जल चुके हैं, उस खयाम से भी आग के शोले बुलंद होने लगे। एक मर्तबा आई अपने सैयद सज्जाद का शाना हिलाया और आकर कहती है सज्जाद तेरी इमामत के जमाने का पहला मसला ज़ैनब। ज़ैनब पूछने आई है बता खयाम जल रहे हैं, खेमे के अंदर जल के मर जाएं या बाहर निकल जाए। सैयद सज्जाद ने देखा
देख कर फरमाते आलाई कुन्ना बिल खुरूज कयाम से बाहर निकल जाएंगे। फरमाया हमारे सरों पर निदा नहीं है, कहा बालों के जरिए अपने चेहरों का पर्दा बनाओ, सरों में खाके करबला को डालो। अजादारों खयाम का जल न था, अली की बेटियां खयाम से बाहर आई। रावी कहता है ऐसे ये बच्चे बिखरे, सैयदादियां बिखरी जैसे तस्वीर का धागा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब सारे बाहर निकलाए मैंने देखा कि आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बीबी है जो शेर दिल खातून है, जो बार बार नारे तकबीर को बुलंद करती है, फिर आग में कूद पड़ती है, आग में जाती है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने समझा बीबी की कोई कीमती चीज है जो खयाम में रह गई है, बार बार उसके ताकुब में जा रही है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है एक मर्दा मैंने देखा जब आग के शोले बुलंद हो रहे थे, इस जेर दिल खातून ने बुलंद आवाज से कहा अल्लाह अकबर। जब उस खैमे में गई जब पलट के आई तो सैयद सज्जाद को पुश्त पर उठा कर लाई, खाके करबला पे डाल दिया। यकीनन मक्तल की तरफ रुख करके कहा होगा ए मेरा भैया आप भी लाशें उठा कर मक्तल से लाते रहे, लेकिन आप मर्द थे मैं औरत हूं, लेकिन सज्जाद को उठा कर लाई हूं, आपको रिदा की कोई फिक्र नहीं थी, मेरे सर पर न मकना है न रिदा। बस दो जुमलों की जहमत अदादारों काफी वक्त हो गया है। शाम गरीबा खुले आसमान तले मौजूद अली की बेटी, आपने अभी नमाज मगरिब अदा की, अपने घरों में अदा की, अपने ऐसी जगह पे अदा की जो छत वाली जगह, लेकिन अली की बेटी ऐसे मकाम पर मौजूद है खुला आसमान है, न कोई खैमा है न कोई दीवार है, और खा के करबला पर तयम्मुम किया, तयम्मुम करके नमाज मगरिब को अदा करके कहती है अल्लाहुम्मा तकबल मिन्ना हादल कुर्बान। जब ये लाशें सरजमीन करबला पे बिखरे हुए थे कहते हैं अल्लाह हमसे इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अदादारों अली की बेटी ने सारे बच्चों को जमा किया, जमा करने के बाद देखा कि कम सिन बच्ची मेरे भाई की निशानी, मेरे हुसैन के सीने का तावीद सकीना मौजूद नहीं है। दोनों बहनें सकीना की तलाश में निकली, क्या देखा एक नशेब है, एक गहरी जगह है जहां एक सरबुरीदा लाश है। सकीना उनके साथ लिपट के पड़ी हुई है, सीने पर सो रही है। एक मर्तबा जब अली की बेटी पहुंची, कहा देखा सकीना अपने बाबा के सीने पर सो रही है, पूछा ऐ मेरा बेटा सकीना मुझे ये बता किसी लाश को पहचानने के दो तरीके होते हैं, या उस लाश को चेहरे से पहचाना जाता है या वो लाश लिबास से पहचानी जाती है। न तेरे बाबा के बदन पर सर मौजूद है जिससे तू पहचान सके, न दुश्मन ने बदन पर लिबास छोड़ा के तू पहचान सके। फरमाती है चार साल सकीना जब मेरे दामन को आग लगी, मैं बाबा बाबा कहकर जब इस नशेब की जानिब बढ़ी, एक सरबुरीदा लाश थी जिसकी कटी हुई रगों से आवाज आ रही थी इलैया इलैया, ऐ सकीना आ जाओ मेरे सीने पे लिपट जाओ। बाबा के सीने पर सो रही थी, शिमर गाना है कैसे बाबा की लाश से जुदा किया, प्यार से नहीं, कभी दाएं रुखसार पे तमाचा मारता है, कभी बाएं रुखसार पे तमाचा मारता है। यकीनन सकीना ने कहा होगा ये तो बता मेरा कसूर क्या है, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा रही हूं। अदादारों बस आखिरी जुमला है, जब अली की बेटी
तमाम बच्चों को अपने पास जमा कर चुकी महफूज मकाम पर। उस्ताद आबिदी ये रिवायत पढ़ा करते थे। अली की बेटी ने दूर से देखा, कोई रोशनी आती हुई दिखाई दी। अली की बेटी ने फिजा को कहा, फिजा जाओ, जो भी आ रहा है उसे कहो वापस चला जाए, अब हमारे पास लूटने का कोई सामान बाकी नहीं है, वापस मुड़ जाओ। अदादार और फिजा जब करीब गई, कोई लूटने वाला तो नहीं था। हजरत हुर की ज़ौजा हाथ में पानी का जाम लिए आ रही है, कहाँ है अली की बेटी है जहरा आ जाई, मुझे मालूम है आपका अब्बास प्यासा मारा गया, आपका भैया 3 दिन का प्यासा और भूखा मारा गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, ये लीजिए मुझे अभी पानी मयसर आया। अदादारों अली की बेटी ने कहा, जिसका 6 महीने का असगर एक बूंद के लिए तरसता रहा, वो ज़ैनब कैसे पानी पी सकती है, जिसका औन मारा गया, जिसका मोहम्मद मारा गया, प्यासे मारे गए। चनाचे बीबी ने पानी नहीं लिया। हुर की ज़ौजा ने इमाम सज्जाद की खिदमत में हाजिरी दी, कहा अपनी फूफी अम्मा से कहिए कि जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। आखिरी जुमला आज़ादारो, जो जो हाजात है अपने ज़ेरे लब रखी है, मुझे नहीं मालूम कौन है जो इस दरवाजे से औलाद का तलबगार है, कौन है जो बीमार है जो शिफा चाहता है, नहीं मालूम कौन है जो रोजगार चाहता है। अदादारों नहीं मालूम कौन है जो अपने पेपर्स की मुश्किलात का शिकार है। एक मर्तबा इमाम सज्जाद को सफारशी बनाया। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद इमाम बन के मुझे हुक्म न देना। सैयद सज्जाद ने दस्ते इमामत के जरिए फूफी अम्मा के आंखों के सामने से एक मर्तबा हाथ को गुजारा, कहा फूफी अम्मा ये मंजर देखिए, कैसा मंजर है, हौज़े कौसर का मंजर है। अदादारो आखिरी जुमला है, हौज़े कौसर का मंजर है, इधर रसूल खुदा है, हाथ में जाम कौसर का है, अली है साकी कौसर है, हाथ में पानी का जाम है, जहरा है मर्जियां है पानी का जाम लिए खड़ियां हैं, हसन मुज्तबा पानी का जाम लिए खड़े हैं, और सब मजलूम करबला से है हुसैन तू बड़ा प्यासा है, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, ए हुसैन लीजिए आप एक कौसर पीजिए। जब कहा पानी पीजिए, मजलूम करबला ने कहा है नहीं है, जब तक मेरी बहन ज़ैनब पानी नहीं पिएगी। कितना प्यार है बहन और भाई को, जब तक मेरी बहन ज़ैनब पानी नहीं पिएगी मैं हुसैन पानी नहीं पी सकता। जब ये मंजर देखा, पानी का जाम तो हाथ से लिया, लेकिन मकातिल में कहीं नहीं लिखा कि ज़ैनब कुबरा ने पानी पिया, वो पानी का जाम हाथ में लिया और अपने छोटे से मजमे में निगाह दौड़ाना शुरू कर दी। 4 साल की सकीना पर निगाह ठहरी और सकीना को बुला कर कहती है, आए सकीना हमारे नाना की शरीयत का हुक्म है, जो चीज काफी अरसा तक न मिली हो काफी अरसे के बाद मिले, सबसे पहले छोटे बच्चों को दी जाती है, आए सकीना ऐसे काबले में तू सबसे छोटी है, ये ले पानी अभी पानी आया है। सकीना ने जाम पानी का लिया और निकली खयाम के पुश्त पर, जहां सैयद जहां इमाम हुसैन ने असगर को दफन किया था। एक मरतबा अली की बेटी पूछती है, सकीना सकीना ऐना अंते तज़हबीन, कहां जा रही हो, कहा आपने खुद ही तो कहा है जब कोई चीज काफी अरसे बाद मिले सबसे पहले छोटे बच्चों को दी जाती है, मेरा असगर मुझसे भी छोटा है, असगर की कब्र पे जाके पानी छिड़क के कहूंगी, ऐ असगर तेरी बहन सकीना को अभी पानी मिला।
परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद अज़ादारान मज़लूम करबला की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद हमें सिवाय गम शब्बीर के कोई और गम नसीब न फरमा। परवरदिगार जितने हमारे साथ अज़ादारान मज़लूम करबला शरीक हैं सबकी परवरदिगार तो अलीमन बेज़ाते सुदूर है, सबकी हाजात को पूरा फरमा। जो भी औलाद हैं जिन्हें औलाद नरीना की ख्वाहिश है, परवरदिगार तुझे बाबुल हवाइज अली असगर का वास्ता, उन्हें औलाद नरीना आता फरमा। परवरदिगार एक मोमिना ने दरख्वास्त दुआ की है, उनकी झोली को आबाद फरमा और उनको औलाद नरीना आता फरमा। एक और मोमिना ने दरख्वास्त दुआ की है, उनकी हवाइज शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। बीमार करबला के सदके उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुनिया जुल्म व जौर से भर चुकी है, परवरदिगार बारे आका के जहूर में ताजील फरमा। हम सबको ईमान के आवान व अंसार में शुमार फरमा। कल्ब नाजनी ने हजरत हुज्जत इब्ने हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को हमारी जानिब से राजी व खुशनूद फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद इस दुनिया में जिंदा रहें तो मोहब्बत मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, और अगर इस दुनिया से उठाए जाएं तो मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जिक्र अज़ाए अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद हुआ, उन तमाम घरों को जिन्होंने घर वालों ने अपने घरों में अज़ा खाना सजाया, परवरदिगार इस जिक्र के सदके उनके अज़ा खाने को आबाद व शाद फरमा। उनके अज़ा खाने को आबाद करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। इस जिक्र के सदके उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार उनके घरों को आफात अर्ज़ी व समावी से महफूज और मामून फरमा। परवरदिगार इस कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द तमाम फरमा, इसको इसका कला कमा फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस की रौनकों को बहाल फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद आज़ादारान सैयद शुहदा की मुहाफजत फरमा और उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा। जितने वाइजीन खुतबा उलमाए किराम और नुआ खान हजरात ने इस मुहर्रम अल हय्याम में जो नौकरी दी है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, उन्हें जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद मजालिस सुनने वाले, मातम और आज़ादारी करने वाले नुआ खान हजरात और एहतमाम करने वाले जहाँ जहाँ भी मोमिनीन और मोमिनात आबाद हैं, परवरदिगार बेहक मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद इस सफ़े अज़ा के सदके उन्हें सिवाय गम शब्बीर के कोई गम नसीब न फरमा। बरादर नासिर अब्बास जाफ़ी साहब की अहलिया को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। शरीफुल्लाह खान साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और रिजवान हुसैन बच्चा बीमार है, उसको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मोहम्मद हुसैन शाह साहब की एक पोती और एक नवासी बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद अहल बैत मोहम्मद बिलउमूम पूरी दुनिया में और बिलखसूस हमारे बेल्जियम के जितने मोमिनीन हैं मोमिनात हैं, परवरदिगार उन सब को ज़िक्र करबला के साथ वाबस्ता फरमा और अतबात आलिया की बार बार ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम बना, गम हुसैन के साथ हमें मानूस फरमा। परवरदिगार इसी ज़िक्र हुसैन इब्ने अली के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जिन हजरात ने दरख्वास्त दुआ की है रोज़गार के सिलसिले में, उन्हें गैब से रोज़गार अता फरमा और जो पेपर्स के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलों को जल्द अज जल्द आसान फरमा। परवरदिगार हमारी सफ़ों में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा, शर शैतान से महफूज फरमा और वाजिबात पर अमल करने हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मुस्लिम या गैर मुस्लिम जालिम हुक्मरानों की चक्की में पिस रहे हैं, परवरदिगार उनको जालिम हुक्मरानों के शर से निजात अता फरमा। और इसी तरह
कश्मीर और फलस्तीन और अफगानिस्तान और जहाँ जहाँ, जैसे लुबनान में अभी एक हादसा रूनुमा हुआ है, और इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हुर्रियत की तंजीमें काम कर रही हैं, परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत के सदके उनकी उन तमाम तहरीकों को कामयाब व कामरान फरमा, और उन्हें अपने खुद इरादियत के हुसूल में तमाम उनकी रुकावटों को दूर फरमा, और इस सिलसिले में कोशिश और काविशें करने वाले तमाम अफराद की गैब से मदद और मुआवनत फरमा। परवरदिगार बहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हम सबको खलूस दिल से अजादारी सैयद शहदा को बपा करने की तौफीक अता फरमा, और ये अजा खाना जो हर घर अजा खाना बन चुका है, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्ला अलैहा की दुआ और जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्ला अलैहा की दुआ के सदक़े में परवरदिगार इन तमाम शियान हैदर करार को एक जगह मुत्तहिद फरमा, शर शैतान से महफूज फरमा, हमारी सफ़ों में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की परवरदिगार तौफीक अता फरमा, और गुनाहे कबीरा और सगीरा से इज्तनाब की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इस गीबत जैसी मुझी मर्ज से हमें महफूज फरमा, हसद से, तकब्बुर से, झूठ से और रियाकारी से परवरदिगार हम सबको महफूज और मामून फरमा, और हम सबको अजादारी सैयद शहदा से मुतमसिक फरमा, हमारे कुलूब को उलूब मोहम्मद आल मोहम्मद की मारिफत से सरशार फरमा। परवरदिगार हमें कुरान मजीद और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मुतमसिक फरमा। जनाब सैयद जाबिर अब्बास साहब गेंट से उनके वालिद मोहतरम अलील हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, उन्हें तूले उम्र नसीब फरमाए, और उनका साया उनके बच्चों के सरों पर तादीर कायम उदायम फरमाए। और इसके अलावा जुमला मोमिनीन और मोमिनात ने दुनिया भर से जहां जहां से दरख्वास्त दुआ की है, परवरदिगार तो अलीमन बिसाति सुदूर है, उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार बहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हमारी वालिदे मोहतरमा अलील हैं, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, और जितने हाजरीन और गैर हाजरीन के मरहूमीन हैं, खुदावंद आलम उन मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमाए, उन्हें कब्र में आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की ज्यारत और शफात नसीब फरमाए, और जहाँ जहाँ किसी ने दामे दिरहमे सुखने कदमे तआमुन किया है, परवरदिगार बहक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद उनकी इस काविश को कबूल फरमा, माल और रिस्क में बरकत अता फरमा। रब्बना तकब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाहे मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन। मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पूरे अशर मुहर्रम में हमारे साथ रहे हैं, शिरकत की है, और अजादारी सैयद शहदा के फरोग में अपना किरदार अदा किया है। खुदावंद आलम आप सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, मोमिनीन और मोमिनात को आबाद और शाद फरमाए। वसल्लल्लाहु अला सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन। इंशाअल्लाह हमारी ये तकारीर और गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। वसल्लल्लाहु अला सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन।